पास कितना है। अब भगवान ने सब कुछ उसे ही दिया है। ऐसी शिकायत, ऐसे एक्सक्यूजेस अक्सर जीवन में लोगों के साथ होते हैं। जी हाँ, मैं एडू लर्निंग चैनल से संजय वर्मा। यदि आपने अभी तक एडू लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोस को शेयर जरूर करें। आज मैं आपको बहुत ही कमाल की एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात थी, बारिश का मौसम हुआ और मोर अपने पंख फैलाकर बहुत ही सुंदर तरीके से नाचने लगा और नाच नाच कर वो बहुत ही आनंदित था। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि बुलबुल इस जंगल में रहती है और वो कितना सुंदर गाती है, मैं भी गाऊंगा। और उसने गाना शुरू किया, मगर उसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं थी। वह चिंता में आ गया, उदासी छा गई, वह उदास रहने लगा, बार बार सोचता था कि मैं क्यों नहीं गा सकता हूं। तभी एक दिन बुलबुल ने उसके पास जाकर पूछा, फ्रेंड क्या बात है, उदास क्यों हो, कौन सा कारण है तुम्हारे साथ में जो उदासी छाई हुई है। तभी मोर ने बताया कि मैं तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं गा सकता, मुझे भगवान ने शरीर अच्छा दिया है मगर आवाज नहीं है। तभी बुलबुल को समझ में आया। बुलबुल ने कहा, देखो भगवान ने मुझे ये टैलेंट दिया है कि मैं सुंदर गा सकती हूँ मगर मेरा शरीर सुंदर नहीं है, वहीं तुम्हारा शरीर सुंदर है मगर तुम अच्छा नहीं गा सकते। तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारा टैलेंट है। जब तुम नाचते हो, अपने पंख बिखेरते हो तो कितने सुंदर नजर आते हो, उसमें तुम्हें भी आनंद की अनुभूति होती है। जी हाँ, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं, दूसरे लोगों से तुलना करने लग जाते हैं, दूसरे लोगों के संसाधनों को देखने लग जाते हैं, तो हमारे मन में भी इस प्रकार की कुंठा जागृत हो जाती है कि हमारे पास नहीं है और सामने वाले के पास है। लगता ऐसा है कि भगवान ने सब कुछ उन्हें ही दिया। ये बात सही नहीं है, ये बहाना है, ये शिकायत है। और जीवन में अगर इस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं तो हमारे पास शिकायतों की बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। बल्कि हमें ये करना चाहिए कि हमारे अंदर भी एक टैलेंट है, हमारे पास भी स्किल्स है, हमारे पास भी साधन है। हमें करना क्या चाहिए, हमें उन साधनों पर, उस टैलेंट को और मजबूत बनाना चाहिए, अपनी ताकत बनाना चाहिए और हमें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अक्सर कई बार पेरेंट्स भी दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करने लग जाते हैं कि तुम्हारे नंबर तो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, देखो दूसरों के नंबर कितने अच्छे आ रहे हैं। ऐसी तुलना भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की माइंड अलग होते हैं, उनके सीखने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है। इसी तरह बड़ों को भी अपने बीच में तुलना नहीं करना चाहिए। अगर प्रगति करना है तो ये सब शिकायतें दूर करना होगी, इन बहानों को छोड़ना होगा और अपना समय लगाना होगा हमें अपने काम पर, अपने गोल पर, अपने उद्देश्य पर। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, और साथ ही आप रेडी रहें हमारे आने वाले समय में नए नए मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडु लर्निंग।